क्या वापस से कोरोना जैसे हालात पैदा हो सकते हैं? अगर बात कोरोना जैसे वायरस की हो तो हाँ, ऐसे हालात वापस पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जापान में बहुत ही ज्यादा बदतर कंडीशन इस वक्त चल रही है। जापान में एक ऐसा डिजीज स्प्रेड हो रहा है जो कि है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, जो कि जिस भी इंसान को होता है उसकी डेथ 48 आवर्स में हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन क्या है और ये डिजीज क्या है, क्या इसका तोड़ आ चुका है और किस तरीके से ये डिजीज फैल रही है, आइए पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बैक्टीरिया इतना ज्यादा फैल रहा है, इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और इसको फ्लैश ईटिंग डिजीज भी कहा जा रहा है। साथ ही इस डिजीज ने रिकॉर्ड हाई कर रखे हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और 2 जून तक जिन लोगों की रिपोर्ट सामने आ रही है कि कितने लोग इस डिजीज से इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो करीब 1000 से ऊपर है। अब मैं आपको अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो लगभग 977 केसेस सामने आए 2 जून तक, और उसके बाद ये नंबर इंक्रीज हो चुका होगा। इसके अलावा अगर हम पिछले साल की बात करें तो इसमें पिछले साल 941 केसेस सामने आए थे। साथ ही इसकी जो मोर्टेलिटी रेट बताई जा रही है वो 30% है, यानी कि 100 लोग अगर इससे इन्फेक्टेड है तो 30 लोगों की वहीं जान चली जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें चांस भी नहीं मिलता कि आप उस डिजीज को पहचान पाओ, आपको कोई फीवर या कोल्ड जैसी कुछ ऐसे सिम्टम्स भी नजर नहीं आते और आपकी 2 दिन में जान चली जाती है। देखा जाए तो ये काफी खतरनाक इन्फेक्शन है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें अभी तक जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले दिन आपके पैर का जो फुट है वो स्वेल हो जाता है, उसके अगले मॉर्निंग में आपका नी तक जो वो है स्वेलिंग आ जाती है, और उसके बाद आपकी 48 आवर्स में डेथ हो जाती है। और लोगों को पूरी तरीके से ये बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है डिजीज से रिलेटेड, और बोला जा रहा है कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा हैंड हाइजीन कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जापान ऑलरेडी इतना हाइजीन रहता ही है जैसा कि हम सबको पता ही है, लेकिन अगर आप मान लो ये डिजीज गलती से भी इंडिया में आ गई जहां पर हाइजीन उतनी ज्यादा नहीं होती तो ये बहुत जल्दी ही स्प्रेड होगी। अब एक बार हम इस इन्फेक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये डिजीज है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। शॉक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर होता है आपके अंदर ये बहुत जल्दी होना चालू हो जाता है, इसके जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत जल्दी डेवलप होने लग जाते हैं। यहीं अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में काफी ज्यादा टाइम लगता था और उसके बहुत टाइम बाद ही इंसान की डेथ होती थी, एक लास्ट स्टेज आ जाती थी, और उसमें हमें एटलीस्ट ये तो पता चल रहा था कि ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और इन सिम्टम्स के जरिए हमें ये पता चल जाएगा कि इंसान के पास कितना ज्यादा वक्त है और हम उसे बचा सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस केस में बात करें तो इस केस में तो सिचुएशन ही वैसी नहीं है, आपको पता चलते ही, जैसे ही आपको पता लगेगा आपकी डेथ हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया आपके टिश्यूज में, डीप टिश्यूज में जाके और ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहां पर ये क्विकली स्प्रेड होना चालू हो जाता है, और ये इतना डीप जाके ये अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, हमारे अंदर बैक्टीरियाज को रिलीज करते हैं, और वो तेजी से फैलते हैं, हमारी बॉडी शॉक में आ जाती है और ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, एट द एंड में डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे फ्लैश ईटिंग क्यों बोला जा रहा है, क्या ये बैक्टीरिया हमारे फ्लैश को खाता है, क्या मेन रीजन यही है, इस बैक्टीरिया का नाम ये क्यों रखा गया? तो मैं आपको बता दूं, फ्लैश ईटिंग का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में एंटर होगा तो आपके सॉफ्ट टिश्यूज पर अटैक करेगा, सॉफ्ट टिश्यूज को पहले खाएगा, जैसे कि मसल हो गए, फैट हो गया, स्किन हो गई, ये जो होते हैं आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और सबसे ज्यादा इसी पर इसका इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपके मसल्स कम होने लग जाएंगे, फैट कम होने लग जाएगा, तो ये बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया रखा गया है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या देखे जा रहे हैं, क्या लोगों को नजर आ रहे हैं, और एक्सपर्ट्स का इस चीज पर क्या कहना है। यहां पर ये बताया जा रहा है कि जिस भी इंसान को STSS हो रहा है उसको सबसे पहले 24 से लेके 48 आवर के बीच में हाइपोटेंशन हो रही है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और देखे जाते हैं, जैसे कि आपको फीवर आना या फिर वॉमिटिंग, नोजिया जैसे फील लेना, मसल्स एकेज होना, तो ये सारी चीजें भी देखी गई हैं और ये सिम्टम्स भी सामने नजर आए हैं। हालांकि ये सिम्टम्स आपको नॉर्मल डिजीज में भी नजर आ जाएंगे,
जाएंगे, लेकिन ये इस डिजीज में भी बताए जा रहे हैं। जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा फास्ट होने लग जाती है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ऐसे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। इसके अलावा US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने कहा है कि इस डिजीज में अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो वो इंसान यूरिन नहीं कर पाएगा, और यूरिन ना कर पाना एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आप खुद सोचो, नॉर्मल इंसान यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता और अगर यूरिन ना हो तो उसकी वजह से कितनी दिक्कतें और हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर लिवर फेल होता है तो वहाँ ब्लीडिंग काफी ज्यादा होने लग जाएगी, आंखें येलो पड़ जाएंगी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेडिकल अटेंशन पर काफी ज्यादा फोकस करना है। इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर किसी के साथ होती है, तुरंत उन्हें मेडिकल चाहिए, तुरंत उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब ये स्प्रेड कैसे हो रहा है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से ये स्प्रेड हो रहा है। हालांकि ये स्प्रेड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से काफी ज्यादा कम हो रहा है, रेयर हो रहा है, लेकिन ये स्प्रेड उससे भी हो रहा है। तो यहाँ आप ये फोकस जरूर करें। इसके अलावा ये फूड से भी स्प्रेड हो रहा है, अगर फूड को अच्छे से पकाया नहीं जा रहा तो उस फूड से भी आपको ये डिजीज हो सकता है। अगर ये डायग्नोस कंफर्म करनी है तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो कि उसके अंदर ब्लड में आपको ए स्ट्रेप इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ऑर्गन फेलर देखने को मिलेगा, जैसे कि लिवर किडनी हो गए, तो ये चीजों से आप देख सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। आप प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन की मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हाइजीन है। हैंड्स हाइजीन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइजीन रखोगे तो ये इन्फेक्शन आपके करीब भी नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरी चीज ये भी बताई जा रही है कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी वाउंड्स है तो उनको केयरफुली मेडिकल तरीके से आप उन्हें दिखाओ और उनको खुले मत छोड़ो। अगर आप खुले छोड़ दोगे तो इस तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है काफी जल्दी आपकी बॉडी में एंटर कर ले। अब यहाँ पर इसको क्योर करने का कोई तोड़ निकाला है क्या, इस डिजीज का कोई क्योर है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रीटमेंट करने के लिए वहां के डॉक्टर्स जो हैं वो काफी हैवी डोज इंजेक्शंस लगा रहे हैं, काफी हैवी एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट उस इन्फेक्शन को किल कर सके। दूसरी चीज है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए फ्लूइड्स जो है वो रिसीव करा रहे हैं ताकि ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करें। इसके अलावा अगर कुछ सीवियर कंडीशन आ जाती है जिसमें कि आपके ऑर्गन फेल हो गए तो उस केस में जो है सर्जरी भी हो रही है ताकि इन्फेक्शन को पूरी तरीके से बॉडी से निकाल दिया जाए। तो ये था फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, जिसके बारे में आपको मैंने नॉलेज दी। इसके अलावा आप भी हाइजीन पर काफी ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कोई डिजीज कब पैदा हो जाए नहीं पता रहता। एट लास्ट बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि अगर आप बाहर भी कहीं खाना खाने जा रहे हो तो उस चीज पर भी आपको ज्यादा ध्यान देना है, सैनिटाइजर साथ लेके जाना है, और रेस्टोरेंट भी वही चूज करें जो कि हाइजीन में नंबर वन है। इसके अलावा आपके आसपास में आपको सैनिटाइज करते रहना है। इसके अलावा इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।